पंडित जी के बोला था। पंडित जी के हाँ पूजा करवाए था। कैसा पूजा? कैसा पूजा? हाँ नवरात्र के दिन है ना तो मालूम। अरे के नवरात्र का तोड़ तो बड़ा तोड़ा अब ना आज नौ दिन पूरा था पूजा करावे का बड़ा तोड़ा बोले से काम मिलेगा बतावा तो काम मिले ना का पहले बुलाओ पंडित जी के तब बताई हूँ आज हमारा जो व्रत जाओ तो पैसा कोड़ी ना पूजा करावे का पैसा कोड़ी बुलाओ ना ये जो पहले बड़ा तोड़ा तोड़ दे अच्छा रुक बुलाओ दन बाबा का नंबर आओ तो तनी कह दिया जल्दी है यार ठीक है। हेलो बाबा पाला की आओ तेरे पहले पानी डाल के तने कहां आई पूजा बैठ ले क्या आए तो नहीं भाई नहीं आप पूजा मन ले रही हो तो नहीं आए पूजा पाठ करके बैठ रहा हूं ठीक है जल्दी आए तनी ठीक बात है चलो ठीक है बाबा की भगवान ने आप तो ही ना पूजा कर रहा ना हाँ हो आज नहीं रामचंद्र ओ रामचंद्र हाँ बाबा अरे बाबा आ गए क्या हाँ आ गए नमस्ते बाबा खुश रहो अरे कहाँ पूजा कर ली है अरे बाबा यहीं पे कर ली अरे बस हो गया इतना बहुत चलो रहने दो कल सा बीच में रखो डर दा बाबा खुद ही अपने आप कर देंगे बैठ जाओ बच्चा जी बाबा बैठो बैठो बाबा जल्दी करिए हाँ जल्द कर रहे हैं बच्चा मत परेशान मत रहो बाबा ये बताइए हाँ बोलो बच्चा दो तीन रुपये का नहीं होगा नहीं बच्चा नहीं होगा चलिए ठीक जैसे जैसे मैं मंत्र पढ़ूंगा वैसे वैसे तुम लोगों को बोलना है ठीक है आप जोड़ लो सबसे पहले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम दक्षिणा तो रखो दक्षिणा रखो हाँ पाँच सौ रखो रख देंगे आप पहले पूजा करिए दे देंगे अरे रामचंद्र अरे भैया नमस्ते भैया अच्छा ठीक है रखो बैठा ठीक ठीक है भैया को क्या हो रहा है रामचंद्र क्या करें भैया बहुत तंग कर रही है पूजा पाठ दर्द तक रही नवरात्र के बहुत तंग करके रखी है इसको बोला ऊपर तो क्या मिल रहा है माने नहीं किसी की बात ही नहीं मान रही है
ये पूजा पाठ करा रहे हैं क्या करें। और बताइए बाबा रुकिए थोड़ा रुकिए मुझे बात करिए। क्या सरकार क्या भैया सब क्या करवा रही है? नौ दिन का व्रत रखे थे नवरात्र का पूजा करवा रहे। किस लिए? किस लिए? किस लिए व्रत रखी हो? बस घर का सुख शांति के लिए रखे हैं। पढ़ाई में आगे जाएंगे और हमारा पति भी अच्छा मिलेगा, समझदार मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा। अच्छा, इसलिए हम व्रत रखे हैं। ये बताओ तुम पूजा करोगी और व्रत करोगी तो तुम्हारा घर परिवार अच्छा आएगा और पढ़ाई लिखोगी तो तुम्हारा पति अच्छा मिलेगा। दाएं गांव के सब लोग करते हैं तो हम भी रख लिए। पूजा करने चलोगे? अरे रामचंद्र ये कौन है पूजा भंग कर रहा है हमारी? अरे बाबा बैठे बैठे हमारे भैया है। ये पूजा पाठ के बारे में जानता है? जाने दीजिए बाबा गुस्सा मत होइए बैठिए। हमारी गुनी तो अच्छी ना हम जा रहे हैं। ये हमारे भैया है बड़े बाबा। सुनिए शांत रहिए मेरा परिवार है ठीक है हम सब जा रहे हैं शांत रहिए बैठिए। मैं बड़े भैया बड़ी मत आप मेरा परिवार हम सब जा रहे हैं बड़ी मत ज्यादा। अच्छी बात है सीता। हाँ भैया। जब लड़कियों को देखने वाले लोग आते हैं सब रिश्तेदार हाँ? आते हैं मेहमान हाँ? आते हैं हाँ? तो सबसे पहले प्रश्न ये पूछते हैं कि बच्ची तुम कितने तक पढ़ी हो? ये तो नहीं पूछते कि बच्ची तुम कितना व्रत की हो? नहीं ये तो पूछते ना नहीं। तब ये बताइए सबसे पहले पढ़ाई जरूरी है व्रत जरूरी है? पढ़ाई जरूरी है ना। तब क्यों सब ये सब ढोंग पाठन करवा रही है? इसको बार बार समझाता हूँ तुम्ही मरोगी गांव के बाद लेके बहुत चलती है। अच्छा मतलब बिना पढ़े लिखे तुम पास हो जाओगी? मेहनत करोगे पढ़ोगे लिखोगे तभी ना पास होगी। ये पूजा करने से होगा? नहीं मेहनत करेगी पर पास। तब बाल प्रसाद पाखंडी सर क्या है? अबा बोलिए हमारा पूरी दक्षिणा दो। अगर लड़की पूजा पाठ नहीं करेगी तो इसको घर पर कैसे अच्छा मिलेगा? अरे बाबा गुस्सा मत होइए हमारे बड़े भैया हैं आप शांति रखिए। कोई उनको कहो सुनिए आप थोड़ा शांति रहिए ठीक है। आप वो सदियों से हम लोग मूर्ख बनाते चले आ रहे हैं। क्या मूर्ख बनाया बताइए क्या है सर? पूजा पाठ हो रहा है नहीं दिख रहा है क्या आपको? क्या पूजा पाठ हो रहा है देवी माता का पूजा हो रहा है। अच्छा ये बताइए माता विश्वास रखते हैं यार? हाँ रखता हूँ। तुम रखती हो सरिता माता विश्वास रखती हो? हाँ रखती हो। अच्छा ये बताइए बाबा बोलो बच्चा आज के डेट में हाँ 9 साल 10 साल 20 साल बलात्कार हो रहा है? हाँ हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। कमर तोड़ दिया जा रहा है? हाँ तोड़ दिया। हाथ तोड़ दिया जा रहा है? हाँ। रुक जान से मारते रहे? हाँ। तब कहाँ दुर्गा माँ रह रही है? तब कहाँ आपकी माता रह रही है? हाँ उनको उतार लेना चाहिए ना बचाना चाहिए उसको चीपो यहाँ से निकलिए अपना ढोंग पाखन बंद करिए। आप लोग सदियों से हम लोग मूर्ख बना से चले आ रहे हैं आज भी बना रहे हैं। तुम क्या जानते हो पूजा पाठ के बारे में? दिखाओ मत तुमको ठीक है निकलो जल्दी यहाँ से। तुम्हें शराब दे रहा हूँ। अरे जाओ तुम भस्म हो जाओगे। अरे जाओ घर लेके तुम भस्म हो जाओगे। भगो ये उनको ना ले। अब तुम्हारा पढ़ा लिखा सब डाल है बेकार है। बताओ यार से पूजा पाठ मैं बता रहा इसको समझाता हूँ भैया समझती नहीं है मैं पागल हो जाता हूँ क्या करें इसकी जिद क्या करना पड़ता है। चलो हटा बंद करो सर चलो हटाओ यहाँ से आप लोग आप जो आप हम लोग का वीडियो देखे हैं पूरे भारत की जो हमारी बहनें हैं आज की डेट में सब लोग व्रत कर रही हैं और अंधविश्वास से फंसी हुई है। तो सबसे पहले हमारी जो बहनें हैं इनको शिक्षित होना जरूरी है। ये नहीं कि व्रत रखे अंधविश्वास में रहें। अगर ये लोग पढ़ाई करेंगे शिक्षित होंगी तभी लोग का घर परिवार अच्छा मिलेगा। ये नहीं कि सोमवार भूखे ये भूखे वो भूखे
शिवरात्रि भूखे हैं, शिवरात्रि भूखने से ऐसा भूखने से नहीं घर परिवार अच्छा मिलता है। तो सबसे पहले अगर पढ़ाई करेंगे, शिक्षित होंगी, आप कुछ लाख हो जाएंगे, नौकरी मिलेगी, तब जाके आपका घर परिवार अच्छा मिलेगा। तो आप लोग शिक्षित बनिए, अगरबत्ती की जगह आप लोग पेन उठाइए, कलम उठाइए। पढ़ लिख कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। लेकिन हमारे समाज की जो हमारी बहनें हैं, बेटी हैं, सबसे ज्यादा ये लोग अंधविश्वास में फंसी रहती हैं। और काश आप लोग अंधविश्वास से निकल कर अच्छा रास्ते पे आती, पढ़ती लिखती, पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम पे आप लोग जाती। हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप सभी को सबके लिए कह रहे हैं। आप लोग एक अच्छा रास्ता पे आइए और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम सबको एक अच्छा अच्छा बात बताएं, अच्छा ज्ञान दें। तो इसे हम अपना बात खत्म करते हैं। नमोदाय, जय भीम। जय भीम। आज हम लोग का वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी पूरी भारत की जो बहनें हैं पूजा पाठ कर रही हैं, ये अंधविश्वास से बाहर आए। और हम लोग को अगरबत्ती की जगह कलम जरूरी होता है, हम लोग को शिक्षित होना जरूरी है। बस हम यही इतना कहेंगे।